क्या करूं, बाजार में आज 90 रुपए ही नकली नोट दे दिया। अभी वो नकली नोट कैसे चलाऊं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। चलो माँ जी से नकली नोट का छुट्टा मांग लेती हूँ। माँ जी से छुट्टा ले लेती हूँ। ये 90 की नकली नोट देख देख के तो मुझे हैबत हो रही है। लगता है माँ जी को ही बेवकूफ बनाना पड़ेगा। माँ जी को ही छुट्टा मांगती हूँ। माँ जी, चलो माँ जी के पास। Meanwhile, अब ये 90 रुपए किससे को दूं? कौन से दुकान वाले को बेवकूफ बनूं? मैं तो बन गई, क्या करूं, 90 रुपए का ये हो गया। कितना टेंशन हो गया मेरे से। अभी भाव को पागल बनाना पड़ेगा, उसी को बाजार भेज देती मैं। ये नोट देखे, पकड़े भी गई तो वही पकड़े जाएंगी, बातें भी सुनी तो वही सुनने वाली है। चलो देखेंगे क्या करने का। माँ जी, क्या हुआ? माँ जी छुट्टे हैं आपके पास 90 के? है ना, भाव ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। अब मुझे ज्यादा टेंशन भी नहीं है, अब मैं रिलैक्स हो गई। अब मेरा टेंशन गया उसके पास। अरे वाह, माँ जी ने छुट्टा देने के लिए हाँ बोल दी है। माँ जी ने पूछा तक नहीं किधर से आए, क्यों चाहिए। खैर छोड़ो, मुझे क्या, माँ जी ने तो हाँ बोल दिए छुट्टा देने के लिए, इसमें तो मेरा ही फायदा है। ला दे 90 रुपए। हाँ माँ जी, देती हूँ। माँ जी ये तो नकली नोट है। बहू तूने कौन सी असली नोट दी, ये देख। माँ जी बाजार में एक आदमी मिला था, उसकी तो जबान से शहद टपक रहा था, इतनी मीठी बोली थी उसकी। उसी शरीफ ने भी मुझे चूना लगाया, उसे तो मैं ढूंढ निकालूंगी। हाँ माँ, और उस चुन्ने का पान बनाऊंगी और उसको खा लूंगी और चबा लूंगी। थूकू माँ जी? थूकूंगी नहीं, फिर घटक लूंगी, क्यों? ताके कभी किसी भोली औरत को वो चुन्ना ना लगाए। माँ जी आप कैसे भोले? देखा इसे, चल तू तो बड़ी होशियार बनती थी, तू कैसे बेवकूफ बन गई। माँ जी उसने बोला कि बन मुट्ठी में नोट लेके जाओ और घर पे जाके खोलो। हाँ उसी शरीफ ने मुझे भी बोला बन मुट्ठी में ऐसा लेके जाओ, मुझे लगा बहुत ज्यादा दिख रहे। मैं भी इधर यहाँ पर आकर खोली तो 90 के नोट नकली। हाँ माँ जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हाय माँ जी, 180 में कितनी चीजें आई होती, 180 का चूना लग गया। ओए चिल्ली, चल बता कितनी चीजें आई होती थी। चल दिमाग पर ज्यादा जोर मत दे, देखो याद है, देखो तो नहीं मालूम, हम लोग को अच्छे से मालूम है। जब नया नया मोबाइल आया था ना, बहुत सस्ते में दे रहे थे। हाँ, उसका रिचार्ज भी बहुत सस्ते में था, मगर आज क्या। हाँ माँ जी मुझे पता है, पहले तो रिचार्ज 35 का होता था, अभी तो 130 का मिलता है। हाय, हम लोगों के लिए 180 रुपए भी कितने मायने रखते हैं। हाँ माँ जी, मैं 100 का छुट्टा 10 बार गिनती हूँ, मगर मेरी अक्कल पे 70 पड़ गए थे। लालच बुरी वाला है, क्या करूं। इसीलिए तो बाजार में मोबाइल और पर्स संभाल के रखना चाहिए, अभी क्या फायदा। हाय हमारे 180 रुपए। अगर बाजार में कोई छुट्टे पैसे देता है तो उसको भी अच्छे से गिन लिया करो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।